घंटा दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है मेरा। हमारी बातचीत ही नहीं होती है तो दोस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो नहीं चाहती होंगी दुल्हन बन के मेरा चेहरा देखना क्योंकि मैं ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। मैं अपनी फिटनेस का राज अपनी आवाम को अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं बिकिनी पहनूंगी तब बताऊंगी खोल कैसे। देखो अगर जो भी लोग हैं इसके अंदर जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने मुझे पता है कि बहुत अच्छा काम किया होगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जाएगी। वेब सीरीज़ है और आजकल वैसे भी लोगों ने डिजिटल और वेब सीरीज़ का ही ज़माना है, कौन रोज़ बैठकर सीरियल को देखेगा, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, कल बहू मर गई, परसों सास मर गई, फिर बहू वापस आ गई, फिर सास वापस आ गई। तो इससे अच्छा ये है कि एक बार वेब सीरीज़ देखो, सारे एपिसोड देख जाओ, एक दो दिन के अंदर ही ख़त्म करो मामला, कौन लंबा झीकेगा एक दो तीन साल अल्लाह ना। मैम आप क्या कहना चाहिए आप? मैं भी वही कहना चाहती हूँ, आशी के बातों से मैं सहमत हूँ। इतना वक्त किसके पास है जो घंटों घंटों बैठ के 40 साल तक टीवी का सीरियल देखे, उससे असर वेब सीरीज है, वेस्ट है। अरे फिर उसके बाद क्या वो चलो ठीक है 15 मिनट वो देख रहा है लेकिन ठाए एक ही चेहरे पर बार बार जूम मारेंगे, कितना दिखाएंगे यार। आई डोंट लाइक मरे हुए पे जिंदा हो जाते कभी कभी। हाँ कभी कभी ऐसा लगता है माय गॉड ये क्या हो रहा है। ओके मैम आजकल काफी बात हो रही है राखी सावंत की, शादी हो चुकी है उनकी एनआरआई के साथ, कुछ आप तो खास फ्रेंड है उनके, क्लोज फ्रेंड है, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आप इस जगह बहुत गलत है कि वो मेरी खास फ्रेंड है, वो मेरी खास फ्रेंड नहीं है और ना हम इस वक्त दोस्त हैं। हमारी बातचीत ही नहीं होती है तो दोस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो प्लीज़ आप लोग ना ऐसे मेरे ऊपर ना ऐसे स्टैंप मत मारा करो हमेशा, वो आपकी दोस्त है, ये आपकी दोस्त है, घंटा दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है मेरा। जो मेरे मेरा सिर्फ मेरे माँ बाप दोस्त है, ऊपर वाला दोस्त है और कोई नहीं है, सब दुश्मन है मेरे। और राज मीडिया तो मेरी जान है तो हाँ तो चलो चालू लोगों बटरिंग कर तो हाँ क्या कहाँ पर उनकी शादी पर थे ना यार। देखो उन्होंने हमेशा से कहा था कि मेरी शादी जो होगी तो मेरी जो वेडिंग नाइट होगी वो सब देखेंगे, पूरी आवाम देखेगी, तो अब इस बात का ख्याल तुम लोगों को ज़्यादा रखना चाहिए। मीडिया लेकर तो तुम लोग पहुँचे थे वहाँ पर, हमें तो शादी में नहीं बुलाया भैया, हमें पास चुप कुछ भी। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वो नहीं चाहती होंगी दुल्हन बन के मेरा चेहरा देखना क्योंकि मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखती। माशाल्लाह आजकल आप बहुत ही फिट दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा राज बता दो। आपको क्या जलन हो रही है? आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, आप क्यों नजर लगा रहे हैं? आप क्यों नजर लगा रहे हैं? मैडम मैं वो ये कह रहा हूँ अभी बकरे की आवाम को बताइए आपके फिटनेस का राज। मैं अपनी फिटनेस का राज अपनी आवाम को अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं बिकिनी पहनूंगी तब बताऊंगी खोल कैसे। थैंक यू सो मच।